हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर वाराणसी से है, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे। शहर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूछताछ में पर कांग्रेस की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की मंशा के साथ किया जा रहा है। वह उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए व्यापार बेहतर कार्य कर रही है और आज हम बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हो रहे हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार निश्चित तौर से व्यापारियों के हित के लिए, समाज के सभी समाज के हित के लिए काम करती है। और GST चूँकि नया नया भी लागू हुआ है और तमाम शिकायतें हम लोग के पास आ रही थी, उसके संबंध में हम व्यापारियों से स्वयं मिल करके कि किन किन प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं, ताकि उसमें कहाँ कमी है उसको हम लोग ठीक कर सकें, उसकी आज बैठक करने में आया। अब कानून अपना काम कर रही है और इस शक्ति प्रदर्शन का कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए या कानून को अपना काम करने से रोकने के। खबर बलिया से है, जिला चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्था सही पाई। देखिए, कमियां जो मिली है वो ऐसी नहीं है जिसको बयान किया जा सके, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और मरीजों से भी जानकारी लीजिए, मरीज भी संतुष्ट थे और यहाँ की सफाई व्यवस्था देखी, यहाँ की जो चिकित्सीय व्यवस्थाएँ हैं उनको देखा, सभी लगभग ठीक पाई गई और इसमें जनता भी संतुष्ट मिली, क्योंकि जनता से भी सीधा मेरा। नमाज की व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है कि कल की नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है, सभी की अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। तो चलिए सुनते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा है। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे राजस्व और प्रशासन के अधिकारी जैसे कि तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी तथा डिविजनल कमिश्नर के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग लिया गया। खबर मुरादाबाद से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त आह्वान पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतरे और जमकर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान खुलेआम धारा 144 का उल्लंघन हुआ। हमारे किसी हिंदू कार्यकर्ता ने, किसी हिंदू नेता ने ये नहीं कहा कि आमिर खान की गर्दन काट दो, ना ही हम इस तरह की गतिविधियों को प्रेशर देना चाहते हैं, ना ही इस तरह की गतिविधियां देश में चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी धर्म अपना काम करें, सभी लोग अपने धर्म पर चलें, हमारे हिंदू देवी देवताओं का सम्मान रहे, राष्ट्र का सम्मान रहे, इस कार्य के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये ज्ञापन एक बजरंग दल की तरफ से दिया गया है, विश्व हिंदू परिषद के लोग तो नहीं थे लेकिन बजरंग दल के लोग थे, इन्होंने ज्ञापन दिया है। और जैसा कि शहर में और देश में प्रदेश में घटनाएं चल रही हैं, खबरनाव से है, जहां जुमे के नमाज पर हिंसा के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने धरना किया और शुक्रवार को हो रही घटनाओं में हिंदुओं के दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स जगह जगह पर तैनात रही। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक ने फिरोजाबाद के सांसद, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्य कृष्ण धर्म गुरुओं, उलेमाओं और चूड़ी फैक्ट्री के मालिकों के साथ चर्चा की। मैं सब यही कह सकता हूं कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बार की एक छोटी घटना से सबक लेते हुए जो भी खामियां उसमें पाई गई हैं, उन सभी खामियों को, चाहे वो इंटेलिजेंस का कलेक्शन हो, चाहे वो लोगों से संवाद हो, चाहे ऐसे लोग का चिन्हांकन हो जो पीछे रह करके लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं,
और चाहे वहाँ पर मौके की पुलिस व्यवस्था हो, सभी आयामों पर काम किया गया है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति। खबर बिजनौर से है, जहां वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया के तत्वाधान में दर्जनों की तादाद में युवा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक की भर्ती योजना अग्निपथ पर पुनर्विचार करने के संबंध में जमकर नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया। वेटरन एसोसिएशन ने मांग की है कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती योजना अग्निपथ पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा, बिंदुओं पर एक बार पुनर्विचार करने की मांग करते हुए अपनी 9 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साथ ही अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की। ये 4 साल के लिए जो सेना में संविदा पर भर्ती योजना निकाली है अग्निपथ, हम इसके विरोध में, ये सारे युवा आज इसके विरोध में आए हैं ताकि इस पे एक दोबारा से पुनर्विचार किया जाए, सरकार विचार करे इस पे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं 4 साल के बाद क्या करेगा वो बंदा बेरोजगारों के, जब वो कम उम्र में 10वीं पास करके या 11वीं पास करके सेना में चला जाएगा और 25 साल या 24 साल की एज में सेना में से वापस आएगा तो क्या उसके बाद वो अपनी पढ़ाई कर पाएगा, उसका फ्यूचर क्या होगा? जब अनुभवहीन कम अनुभव वाले लोग सेना में भर्ती हो जाएंगे, आने वाले 10 साल 15 साल में 75% सेना ऐसी होगी जो कम अनुभव वाली होगी, ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हम। खबर अमेठी से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से अपील की देश में अराजकता न फैलाए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित सदर SDM को SP को ज्ञापन सौंपा। ये कार्यक्रम इस तरह है कि पूरे देश में जो अराजकता फैला रहे हैं दूसरे समुदाय वाले, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग मंदिर से निकलते हैं प्रसाद बांटते हैं, वो भी अपने जगह से निकले तो और वो भी अराजकता न फैलाएं जो पत्थरबाजी करते हैं, ये गलत है, देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग भी शांति प्रिय ढंग से रहें, ये देश उनका भी है, लेकिन जिस तरह अराजकता फैलाते हैं वो इस तरह अराजकता न फैलाएं, मुझे कमजोर ना समझा जाए। खबर गोंडा से है, जो आगामी जुमा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, DMO SSP जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर क्षेत्र में पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराए, तो वहीं DM SP ने नगर में धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें आपसी भाईचारा, सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने की, आगामी जुमा को नमाज सकुशल संपन्न करने की अपील की है। तो उधर अराजक तत्वों से निपटने के लिए गोंडा पुलिस प्रशासन की पूरी तरह तैयार हो चुका है और सोशल मीडिया पर कई टीमें पैनी नजर रख रही हैं। खबर बिजनौर से है, जहां होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा दृष्टि से फुल पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसके चलते पुलिस क्षेत्र अधिकारी द्वारा थाना पुलिस को साथ लेकर संवेदनशील इलाकों में फुल पेट्रोलिंग कर ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। CO ने बताया कि शहर के जितने भी संवेदनशील और आबादी वाले क्षेत्र हैं, उन इलाकों में ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों में भय का माहौल हो और संभ्रांत लोगों में सुरक्षा का सकारात्मक माहौल पैदा हो सके। खबर औरैया से है, जहां सरकार की योजना के अनुसार भारतीय सेना में 4 साल भर्ती होने को लेकर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ 85 अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शहर में घूमकर सेना के लिए तैयार वाले युवकों ने विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस भी वहां पहुंच गई, तो उन्होंने युवाओं को समझा बुझा कर शांत कराया। खबर अयोध्या से है, जहां बाबरी मस्जिद के मुद्दे को रहे हाजी, महबूब ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन ना करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। सभी से अपील है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। आइए सुनते हैं कि धर्मगुरु हाजी महबूब ने क्या कुछ कहा है। अगले जुमा को प्रोसेशन निकालने का एक हम लोगों ने सोचा था, लेकिन प्रशासन की बातचीत होने के बाद हमने जुलूस नहीं निकाला और आपस में एक विज्ञापन दिया, ताकि क्योंकि इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए ताकि अमन और चैन बने रहे और जो कुछ हुजूर के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई वो बहुत गलत बातें की हैं।
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना मसूरी क्षेत्र में आज सुबह एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। नाहल चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति पुलिस पार्टी के द्वारा रोके जाने पर रुका नहीं और इसके बाद पार्टी पर फायरिंग करके भागा, जिसके बाद की पुलिस के द्वारा पीछा गया, जवाबी कार्रवाई की गई। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें इसका नाम हसनैन है, जो कि पिपलेड़ा का रहने वाला है। इस पर गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ और गाज़ियाबाद इन चार जनपदों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं, जो कि हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर अधिनियम आदि के अंतर्गत हैं। और इसके बारे में बाकी मुरादाबाद के जनपद केजीके कॉलेज में पिछले 5 वर्ष से वेटलिफ्टर के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही वेटलिफ्टर तान्या कश्यप को अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। दरअसल 15 से 22 जून तक हिमाचल के नगरोटा में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हो गया है। तान्या कश्यप का 60 किलोग्राम भार वर्ग में खेलो इंडिया वुमेन रैंकिंग वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की सूची में नाम आ गया है, जिसके बाद से वेटलिफ्टर तान्या कश्यप के हौसले बुलंद हैं। मैं बहुत परिश्रम करती हूँ और मैं इसी चीज़ में आगे जाना चाहूँगी और मैं अपने पापा के सारे सपने पूरा करना चाहूँगी और आगे ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। वो तो जो सर मतलब पापा कराते हैं वही डेली। पापा का सपना है कि मैं वेटलिफ्टिंग में आगे जाऊं ओलंपिक में और आगे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन पार करूं। ये गेम बहुत पावरफुल गेम है और इसके लिए कंटिन्यू बना हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद वेटलिफ्टर रहा हूं, काफ़ी टाइम करी है मैंने, यूनिवर्सिटी चैम्पियन भी रहा हूँ मैं फैशन में, और इसमें लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए और भविष्य ज़्यादा आगे अच्छा है वेटलिफ्टिंग के अंदर, कोशिश करी जाए तो। और बताया में एक युवक शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने लड़के के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग की है। आपके साथ घटना कब हुई? हमारे साथ घटना यही 15-20 दिन पहले ही हुई है। लगातार आप शिकायत कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई ना हुई। थाने गई हैं? जी हाँ। दफ्तोरा से कब आई? दफ्तोरा ही में थे। दफ्तोरे में उसी घर में रह रही थी? हाँ। 15-20 दिन से। खबर अलीगढ़ से, जहां अमृत योग सप्ताह के तहत अहिल्याबाई स्टेडियम में योग की क्लास का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु के रूप में जिलाधिकारी ने योगासन सिखाया और योग की बारीकियों से अवगत कराया। योग के बाद डीएम ने पूरे स्टेडियम का भ्रमण किया और लोगों व बच्चों के द्वारा वहां खेले जा रहे खेलकूद का भी आनंद उठाया। बृहद पैमाने पर योगा करें और एक विश्व रिकॉर्ड कायम करें कि एक साथ एक दिवस में इतने सारे लोगों ने इस योगा और आसन और प्राणायाम को किया है, तो मैं जनपद अलीगढ़ वासियों का आह्वान करता हूं कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन जनपद से कम 11 लाख लोग एक साथ योगा करें। इस टारगेट को लेकर हम चलें, पार्कों पर, घरों में, शासकीय कार्यालयों के बाहर, किसी स्टेडियम में या जहाँ भी उनको खुला स्थान मिले वहाँ पर इसको करें और इसको वो रिकॉर्ड कीपिंग भी इसकी करें ताकि हम इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर भी। अमेठी से लूट के बाद एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां मोबाइल लूट कर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाया, जिसके बाद ग्रामीणों से बचकर भाग रहे लुटेरों ने ग्रामीणों पर बाइक चढ़ा दी। इस दौरान एक बुजुर्ग राम सुमेर विश्वकर्मा की मौके पर मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतक युवक का शव रखकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। खबर श्रावस्ती से, जहां गांव में उजाले के लिए शासन के आदेश के बाद विद्युत पोल पर सरकारी खजाने से लाखों खर्च कर प्रधान ने स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, लेकिन
कुछ ही दिन में लाइटें बंद होने लगी और अब स्थिति ये है कि किसी गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। और जब इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान से की तो प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसका ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ते हुए कहा कि इसकी शिकायत ठेकेदारों से की गई है, फिर भी बिजली सही होने पर उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाएगी। हमारे गांव में प्रकाश के लिए जो है लाइटें प्रधान जी ने लगवाई थी जो डुप्लीकेट थी, 2 से 3 दिन जले, उसके बाद ख़राब पड़ी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। करीब 2 महीने हो गए लगे हुए, जिस दिन लगी है उसके दूसरे ही दिन ये ख़राब हो गई है। अच्छा। अब इसका कोई पुरसे हाल नहीं है, ना तो मतलब जिसके देखभाल करने वाले हैं कोई मतलब ना कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। अब बड़ा अंधियाला पड़ा हुआ है। प्रधान से कहा था आप लोग ने? हाँ, हमने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है करा देंगे हम, तो कोई आए नहीं अभी तक। शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम है स्ट्रीट लाइट। ग्राम पंचायत में सचिवालय की स्थापना, उसमें कंप्यूटर स्टेब्लिश करना, गांव पंचायतों पे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट का डायरेक्शन, निर्देश, आदेश शासन द्वारा प्राप्त हुआ है। उसकी MRP और निर्धारित कंपनियाँ निश्चित कर दी गई, उससे अलग हट के जहाँ भी जो भी गाँव पंचायत लगवा रही हैं। खबर प्रयागराज से है जहाँ के उतराव थाना क्षेत्र के मोहदीपुर पर तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई। महिला अध्यापकों से भरी वैन पलट गई जिसकी वजह से 4 अध्यापिकाएं घायल हो गई जिनको इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर जा रही टेम्पो पिकअप से टकराए, इस घटना में करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। बता दें सारा मामला लंबुआ कोतवाली के वेदुपारा गांव का है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।